रसमलाई खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है, लेकिन अभी के सिचुएशन में ना हम तो बाहर जा रहे हैं और ना ही बाहर का खा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि मिठाई खाने का मन तो होता है ना। तो आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने पैकेट वाले दूध से एकदम बाजार जैसी हलवाई जैसी जो रसमलाई होती है ना वो बनाना बताया, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी रसमलाई आप घर पे बनाएं, और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम छेने का चपटा रसगुल्ला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लीटर ये पैकेट वाला दूध लिया है, आप इसमें कोई और गाय का दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध ही यूज़ करें क्योंकि मैं उसी से बनाती हूँ, तो मैं उसी का मेज़रमेंट आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे गाय के दूध को मैंने गैस पर रख दिया है और इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा ना हम इसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर से दूध को फाड़े उससे ये अच्छा फटता है। नींबू से भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नींबू थोड़ा रिस्की रहता है, कभी कभी फटता है कभी कभी नहीं फटता है। तो अगर आप विनेगर यूज़ करेंगे ना तो दूध बहुत ही आसानी से और एकदम बराबर फटता है। तो यहाँ पे एक लीटर दूध के लिए दो चम्मच विनेगर यूज़ करें। तो यहाँ पे ये एक चम्मच विनेगर डाला मैंने। एक चम्मच डालने के बाद पहले इसे ऐसे मिला दें और इसके बाद देखेंगे कि दूध जो है वो फटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो अभी हम वापस एक चम्मच डाल देंगे। दो चम्मच से ज़्यादा विनेगर नहीं डालें क्योंकि ज़्यादा विनेगर डालने से छेने से विनेगर का स्मेल आने लगता है। तो दो चम्मच विनेगर काफ़ी है एक लीटर दूध के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो बहुत ही आसानी से फट गया है। दूध से छेना और पानी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इसे थोड़ी देर और उबालें। तो यहाँ पे छेना और पानी बिल्कुल अलग हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो विनेगर यूज़ करने से ये बहुत अच्छी तरह फटता है। तो बस जब ये अच्छी तरह फट जाए ना तो इसे पकाना नहीं है, गैस को ऑफ़ कर देना है और इसके बाद इसे छान लेना है। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे। तो इसे छानने के लिए आप मसलिन का कपड़ा या फिर ऐसे सूती का कपड़ा यूज़ करें। मैं यहाँ पे ये रुमाल यूज़ करी हूँ। रुमाल को पहले अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद ये जो छेना है ये इसके ऊपर डाल देंगे। हमें इसे सूती के कपड़े में ही बांध के रखना है, उससे क्या होगा पानी जो है वो अच्छे से निकलता है। तो यहाँ पर ये सारा छेना निकाल दिया मैंने, किनारों को ऐसे पकड़ लें और उसके बाद इसे ऐसे घुमा के चिमटे से दबा के इसका पानी निकाल दें। ये देखिए, हमें इसका पानी निचोड़ के निकाल देना है और उसके बाद एक घंटे के लिए आप इसे कहीं भी टांग के रख दें, उससे क्या होगा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। ध्यान रहे हमें छेना को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें बना रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे छेना को वॉश नहीं किया है क्योंकि विनेगर की स्मेल बिल्कुल नहीं आती है दो चम्मच में। अगर आप ज़्यादा विनेगर यूज़ करें तो छेना को आप वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये गार्ड बांध दिया है, अब हम इसे एक घंटे के लिए कहीं भी छोड़ देंगे ऐसे टांग के। तो यहाँ पे इसे रख देती हूँ मैं, और तब तक क्या करते हैं ना कि हम रबड़ी बना लेते हैं जो हमें रसमलाई में चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक लीटर दूध मैंने वापस गर्म होने के लिए रखा है दूसरे पैन में। मैंने यहाँ पे गाय का ही दूध इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूध को उबाल लेना है और इसे तब तक उबालना है जब तक ये तीन चौथाई हिस्सा नहीं हो जाए जितना हमने ओरिजिनल क्वांटिटी में दूध यूज़ किया था। मतलब सही मायने में बोले तो दूध को हमें गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे दूध जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ये देखिए, मलाई को स्क्रैच करके किनारों से ऐसे दूध में मिलाते रहे ताकि ये जल्दी गाढ़ा हो जाए। दूध गाढ़ा हो चुका है तो अब हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। एक लीटर दूध में आधा कप ही चीनी यूज़ करें। फिर हम इसमें तीन से चार इलायची ऐसे क्रश करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे। केसर इसमें ऑप्शनल है, लेकिन केसर से रसमलाई जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो केसर है आपके पास तो आप ज़रूर यूज़ करें। नॉर्मली केसर से दूध में कलर आ जाता है, लेकिन अगर कलर नहीं आता है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हल्का सा येलो इशू है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको बाजार जैसा या फिर हलवाई जैसा रसमलाई बनाना है तो आप इसमें लेमन कलर थोड़ा सा ऐड कर दें। मेरे पास अभी फूड कलर अवेलेबल है तो मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसमें कुछ भी नहीं डालें, बस केसर डाल दें। और केसर भी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसे वापस उबालेंगे। तो यहाँ पे रसमलाई की जो रबड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, उसे थोड़ा पतला रखना है ताकि रसमलाई जो है, मतलब जो हम छेना बॉल बनाएंगे ना, वो अच्छे से सिरप को एब्जॉर्ब करे। अगर ये गाढ़ी हो जाएगी तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए काजू, पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं। काजू, पिस्ता, बादाम डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो रसमलाई की ये रबड़ी बनाने में आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं और ये हमारी रबड़ी जो है वो बनके तैयार है। ये आप देख सकते हैं, हमने जो नॉर्मल रबड़ी बनती है ना उससे इसे पतला रखा है, और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होता है, तो इसे ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करें। तो गैस को बंद कर दें और इसे अलग रख दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर छेने को 1 घंटा हो चुका है, हम यहाँ पर इसे रुमाल से निकाल लेंगे।
और इसके बाद इसे ऐसे क्रश करके इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसे ऐसे अच्छे से क्रश कर ले। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे हाथों से मसल मसल के इसे 8 से 10 मिनट तक लगातार ऐसे मलना है। जैसा कि मैंने बताया था कि छेने में थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। अगर आपका छेना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ज़रा सा पानी स्प्रिंकल करके और इसमें मॉइस्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पे एकदम ऐसे जितना हथेलियों पे पानी आता है ना उतना पानी डाल के मैंने ऐसे स्प्रिंकल किया और इसे वापस गूंदना शुरू करेंगे। छेने के बॉल को बाइंड करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कभी कभी रसगुल्ला जो है वो चाशनी में खुल जाता है, तो उससे बचने के लिए आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करें। तो यहाँ पे जितना 1 लीटर दूध में छेना निकला ना उसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला के और ऐसे हथेलियों के पीछे से इसे 8 से 10 मिनट ऐसे लगातार गूंदेंगे। ये देखिए, इसे ऐसे मसलते रहें। हमें छेने को इतना गूंदना है कि वो एकदम मक्खन जैसा हो जाए। तो बीच में आप थोड़ा सा हिस्सा ऐसे लेके और ऐसे बॉल्स बना के चेक कर ले कि अगर इसमें दरारें आ रही हैं तो इसे और गूंदना है, नहीं आ रही है मतलब ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे हल्की सी दरारें इसमें दिख रही है तो हम इसे वापस थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो छेना बॉल बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि दूध को विनेगर से फाड़े और उसके बाद उसे कपड़े में बांध के 1 घंटे तक ऐसे हैंग कर दें और उसके बाद छेना को ऐसे गूंद लें। और छेना बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो उसमें ज़रा सा पानी स्प्रिंकल कर दें, और अगर उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। डो को बनाते वक्त कॉर्नफ्लोर का यूज़ करें और उसके बाद 8 से 10 मिनट तक लगातार ऐसे मले। तो उसके बाद ये जो छेना बॉल है ना वो एकदम परफेक्ट बनेंगे और चाशनी में बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो ये सारे टिप्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो टिक्की है वो बन के तैयार है, इसमें बिल्कुल दरारें नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे ये टिक्की बनाते वक्त ना ऐसे हथेलियों के बीच में इसे हल्का सा प्रेस कर देना है, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं। अगर आप इसे राउंड करके और प्रेस करेंगे तो किनारों पे क्रैक्स दिखने लगेगा। तो बस इसे ऐसे हथेलियों के बीच में गोल करके और तुरंत ही दबा दें तो इससे ये शेप में देखेंगे। तो ये हमारी टिक्की बन के तैयार है। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन में हम 1 कप चीनी डाल देंगे। 1 कप चीनी के लिए 3.5 कप पानी मैं यूज़ करूँगी। हमें पतली चाशनी बनानी है, एकदम रसगुल्ले की गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे 1 कप चीनी के लिए 3.5 कप पानी डाला मैंने। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम या हाई कर देंगे और उसके बाद चीनी को अच्छे से पिघला लेंगे। हमें चाशनी में उबाल आने का इंतज़ार करना है, तो गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और जैसे ही यहाँ पे चीनी पिघल जाएगी ना अच्छे से, वैसे ही ये उबलने लगेगा। हमने जो रसमलाई के लिए छेने का बॉल बनाया है उसे हमें उबलते हुए चाशनी में डालना है। ध्यान रहे कि जैसे इसमें उबाल आ जाएगा गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और उसके बाद इसमें ये छेना का बॉल जो है वो डाल देंगे। उबलते हुए चाशनी में जब आप छेने का बॉल डालेंगे ना तो उसके ऊपर का जो लेयर है वो सेट हो जाएगा और वो खुलेगा नहीं। तो रसगुल्ला बनाते वक्त या फिर रसमलाई का ये जो छेना बॉल बनाते हैं उसे बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उबलते हुए चाशनी में इसे डाल के 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही 3 मिनट हो जाएगा पैन को कवर कर दें और उसके बाद हाई फ्लेम पर 8 मिनट पकाएं। अगर आपका गैस बर्नर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मीडियम फ्लेम रखें, जो नॉर्मल पुरानी वाली गैस होती है ना उसमें हाई फ्लेम रखें, और ये नया वाला अगर गैस स्टोव है तो आप मीडियम फ्लेम रखें। तो 8 मिनट बाद हम इसे ऐसे पलट देंगे और उसके बाद 15 मिनट हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो इस बार इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो बीच बीच में हम इसे ऐसे पलटते रहेंगे। तो जैसे ही हमने छेना बॉल डाला है तो शुरुआत में 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया है, उसके बाद ढक के 8 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम लो मीडियम कर दिया और 15 मिनट इसे ऐसे पका लिया है। हमें इसे टोटल 26 से 27 मिनट पकाना है। तो शुरुआत के 11 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया था, उसके बाद लो मीडियम पे 15 मिनट। और यहाँ पे एक रसगुल्ला मतलब ये जो रसमलाई का छेना वाला है उसे निकाल के चेक कर लेते हैं। रसगुल्ले जैसा दिख रहा है ना इसलिए बार बार रसगुल्ला नाम याद आ रहा है। तो ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। तो लास्ट के 1 मिनट हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो बस 1 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं उबालना है। तो ये हमारा छेना वाल जो है वो बन के तैयार है। गैस को बंद कर देती हूँ और जैसे ये ठंडा होगा इसका जो ये चाशनी है ना वो क्लियर होता जाएगा। ये देखिए एकदम सही से पका है। तो सेम प्रोसेस से आप रसगुल्ला भी बना सकते हैं। तो ये हमारा रसमलाई का जो छेना बॉल है वो बन के तैयार है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद हम इसे रबड़ी में डालेंगे जो हमने बना के रखी है। तो यहाँ पे ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, इतना ही ठंडा है कि हम इसे हाथों से छू सकते हैं। और इसे ऐसे प्रेस करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए चपटा है तो इसे ज़्यादा प्रेस करने का कोई सेंस नहीं है। अगर रसगुल्ला रहता तो मैं इसे और ज़्यादा प्रेस करके दिखाती। ये देखिए है ना एकदम परफेक्ट स्पंजी बाजार जैसा। तब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में जहाँ पे हम इसे रबड़ी में डालेंगे। तो अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक बर्तन लिया है मैंने और इसमें ये जो छेने का बॉल है उसे ऐसे निचोड़ के और उसके बाद उसमें रख देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दें, इतना भी नहीं स्क्वीज़ करें कि वो टूट जाए।
तो इसे ऐसे रख देंगे। रसमलाई बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे रबड़ी में डालेंगे तो कोई एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, या तो ये छेना बॉल गर्म होनी चाहिए या फिर रबड़ी गर्म होनी चाहिए। अगर दोनों ठंडा हो गया है तो कोई एक चीज़ को गर्म कर लें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, ये छेने बॉल में रबड़ी जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होती है। तो 1 लीटर दूध में हमने यहाँ पर टोटल ये 9 छेना बॉल बनाए हैं, और ये जो चाशनी है उसमें आटा मिला के आप पैनकेक बना सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर रबड़ी डाल देंगे। तो रबड़ी को भी मैंने हल्का गर्म रखा है, अगर ये ठंडी हो जाए तो गैस पे एक बार गर्म कर ले, नहीं तो माइक्रोवेव में। और ये जो रबड़ी है वो इसके ऊपर डाल देंगे। इतना रबड़ी डालें कि ये जो छेना बॉल्स है वो अच्छी तरह डूब जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। रबड़ी जो है वो छेना बॉल एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए रबड़ी थोड़ा ज़्यादा डालें, इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालें। अब हम इसे ढक के 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो छेना बॉल है वो रबड़ी को एब्जॉर्ब करके और थोड़ा सा स्पंजी हो जाए। तो हम इसे ऐसे ही ढक के रख देंगे, फ्रिज में इसे नहीं रखना है। फ्रिज में रखने से जो छेना बॉल है ना वो रबड़ी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाए, मतलब 6 घंटे बाद, तब आप इसे आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो ये हमारी रसमलाई जो है वो बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि जो रसमलाई का बॉल है वो भी सॉफ्ट दिख रहा है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो रसमलाई है ना, तो थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से निकालते हैं, मिट्टी के बर्तन में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारी मज़ेदार बाजार से भी अच्छी रसमलाई जो है वो बन के तैयार है, एकदम सॉफ्ट और बहुत स्पंजी है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। तो लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा रबड़ी डाल दें, और ये हमारा परफेक्ट एकदम रिच रसमलाई जो है वो बनके तैयार है। आप इस रसमलाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसमें से एक रसमलाई मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो छेना बॉल है उसके अंदर तक पूरा रबड़ी गया हुआ है। ये देखिए है ना, सॉफ्ट और स्पंजी। तो आप इस रसमलाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।